जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। आज हम 10वें और 11वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। भगवान के जन्म और कर्मों को तत्व से दिव्य समझ लेने का जो फल बतलाया गया है, वह अनादि परंपरा से चला आ रहा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं कि बीत राग भया क्रोधा मन मया मामुपाशितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः। चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब पहले समझते हैं कि बीत राग भय क्रोधा कैसे पुरुषों का वाचक है। आसक्ति का नाम राग है। किसी प्रकार के दुख की संभावना से जो अंतःकरण में घबराहट होती है, उस विकार का नाम भय है। और अपना अपकार करने वाले पर तथा नीति विरुद्ध या अपने मन के विरुद्ध बर्ताव करने वाले पर होने वाले उत्तेजनापूर्ण भाव का नाम क्रोध है। इन तीनों विकारों का जिन पुरुषों में सर्वथा अभाव हो गया हो, उनका वाचक बीत राग भय क्रोधा पद है। भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों का तत्व समझ लेने वाले मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान को छोड़कर उसकी किसी भी पदार्थ में जरा सी भी आसक्ति नहीं रहती। भगवान का तत्व समझ लेने से उनको सर्वत्र भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है और सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वे सदा के लिए सर्वथा निर्भय हो जाते हैं। उनके साथ कोई कैसा भी बर्ताव क्यों ना करे, उसे भी भगवान की इच्छा से ही हुआ समझते हैं और संसार की समस्त घटनाओं को भगवान की लीला समझते हैं। अतएव किसी भी निमित्त से उनके अंतःकरण में क्रोध का विकार नहीं होता। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों का तत्व जानने वाले भक्तों में भगवान की दया से सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वथा अभाव होता है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ बीत राग भय क्रोधा विशेषण का प्रयोग किया गया है। और भगवान में अनन्य प्रेम हो जाने के कारण उनको सर्वत्र एक भगवान ही भगवान देखने लग जाते हैं। यहाँ पर मनमया विशेषण का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो भगवान के जन्म और कर्मों को दिव्य समझकर भगवान को पहचान लेते हैं, उन ज्ञानी भक्तों का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। अतः वे निरंतर भगवान में तन्मय हो जाते हैं और सर्वत्र भगवान को ही देखते हैं। ऐसे भक्त भगवान की शरण ग्रहण करके सर्वथा उन पर ही निर्भर हो जाते हैं और सदा उनमें ही संतुष्ट रहते हैं। ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस ज्ञान रूप तप के प्रभाव से मनुष्य का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। अंतःकरण में सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वथा अभाव हो जाता है और समस्त कर्म भगवान के कर्मों की भांति दिव्य हो जाते हैं और वह कभी भगवान से अलग नहीं होता। भगवान सदा ही प्रत्यक्ष रहते हैं। यही उन भक्तों का ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना है। पूर्व श्लोकों में भगवान ने यह बात कही कि मेरे जन्म और कर्मों को जो दिव्य समझ लेते हैं, उन अनन्य प्रेमी भक्तों को मेरी प्राप्ति हो जाती है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उनको आप किस प्रकार और किस रूप में मिलते हैं। इस पर भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते
तांस्तथैव भजाम्यहं। ममा वर्त मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। चौथे अध्याय की 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे भक्तों के भजन के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार भक्त मेरे पृथक पृथक अपरूप मानते हैं और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार मेरा भजन स्मरण करते हैं। अतः मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उन उन रूपों में ही दर्शन देता हूँ। श्री विष्णु रूप की उपासना करने वालों को श्री विष्णु रूप में, श्री राम रूप की उपासना करने वालों को श्री राम रूप में, श्री कृष्ण रूप की उपासना करने वालों को श्री कृष्ण रूप में, और श्री शिव रूप की उपासना करने वालों को शिव रूप में, देवी रूप की उपासना करने वालों को देवी रूप में, और निराकार सर्वव्यापी रूप की उपासना करने वालों को निराकार सर्वव्यापी रूप में मिलता हूँ। इसी प्रकार जो मत्स्य, कच्छप, नृसिंह, वामन आदि अन्य अन्य रूपों की उपासना करते हैं, उनको उन उन रूपों में दर्शन देकर उनका उद्धार कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त भी जिस प्रकार, जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस प्रकार और उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता, मैं भी उसका वियोग सहन नहीं कर सकता। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। जो ग्वाल वालों की भांति मुझे अपना सखा मानकर मेरा भजन करते हैं, उनके साथ मैं मित्र के जैसा व्यवहार करता हूँ। जो नंद यशोदा की भांति पुत्र मानकर मेरा भजन करते हैं, उनके साथ पुत्र के जैसा बर्ताव करके उनका कल्याण करता हूँ। इसी प्रकार रुक्मिणी की तरह पति मानकर भजने वालों के साथ पति जैसा, हनुमान की भांति स्वामी समझकर भजने वालों के साथ स्वामी जैसा, और गोपियों की भांति माधुर्य भाव से भजने वालों के साथ प्रियतम जैसा बर्ताव करके मैं उनका कल्याण करता हूँ और उनको दिव्य लीला रस का अनुभव कराता हूँ। मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि लोग मेरा अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं इस प्रकार प्रेम और सौहार्द का बर्ताव करूँगा, तो दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी ऐसे ही निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ यथा योग्य प्रेम और सुहृदयता का बर्ताव करेंगे। अतएव इस नीति का जगत में प्रचार करने के लिए भी ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए ही मैंने अवतार धारण किया है। राधे राधे।